हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछली वीडियो को कंटिन्यूस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है संतुलित व असंतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट। संतुलित भोजन प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित भोजन ना मिलने से कुपोषण हो सकता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रभाव है विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से, विटामिन अगर हमारे भोजन में विटामिन की कमी रह जाती है तो हमें किस प्रकार के कुपोषण हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। निम्न तालिका में प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण दिए जा रहे हैं। बच्चों, आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें विटामिन और उनकी उनके रोग और रोगों के लक्षण, ये तालिका दी हुई है। इसमें एक मिस प्रिंट दिखाई दे रहा होगा आपको, B12, ये B12 ना होकर B1 है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी फैट में घुलने वाला विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसमें व्यक्ति को कम प्रकाश या रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कंप्लीटली ब्लाइंडनेस महसूस करता है। दूसरा विटामिन है B1। B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है जिसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हृदय धड़कन कम, पेशियां तथा तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत सूरजमुखी के बीज आदि, बीज फल आदि में पाया जाता है। अगला विटामिन है B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लोविनोसिस नामक रोग हो जाता है। इसका मुख्य कारण मुख्य किनारे एवं होंठ की त्वचा का फटना व स्मृति में कमी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है जिसके मुख्य लक्षण जीभ व त्वचा पर पपड़ियां जमना। नेक्स्ट विटामिन है सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह सभी खट्टे फल और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसका मुख्य लक्षण मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना आदि। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है जिसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी भोजन में उपस्थित कैल्शियम को अवशोषित करने में सहयोग करता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है तो भोजन में जो हमने कैल्शियम लिया था वह अवशोषित नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है और हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों भंगुर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। बच्चों, अपनी बुक में यही 6 विटामिनों के नाम दे रखे हैं। आगे और भी कई विटामिन आपने पढ़े थे, विटामिन ई, विटामिन के। बच्चों, हमारा शरीर कुछ विटामिन का तो संश्लेषण कर लेता है लेकिन ज़्यादातर विटामिन का हमारा शरीर निर्माण नहीं करता, उनकी पूर्ति भोजन के द्वारा ही होती है। जैसे विटामिन शरीर में बनने वाली विटामिन डी व के हैं, इनका डी विटामिन डी और के का निर्माण शरीर में हो जाता है। बाकी विटामिन हम भोजन के माध्यम से ही लेते हैं। जो अगला बिंदु है प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से कुपोषण होते हैं या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में इस बिंदु में अध्ययन करेंगे। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे से प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाओं और किशोर अवस्था में प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासीओर कोर रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, सोना
चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। यानी इस रोग से पीड़ित बच्चे के स्टोमक है, पेट जो है वो स्वेलन सूजा हुआ या वह उभरा हुआ होता है, बाकी शरीर सूखा हुआ रहता है। यदि भोजन में प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी भी रहे तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को मैरस्मस रोग कहते हैं। बच्चों, क्वाशियोर कोर रोग और मैरस्मस रोग दोनों ही रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं, लेकिन मैरस्मस रोग में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा की भी कमी रहती है। तब ऐसी स्थिति में शरीर सूख कर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है और शरीर ऊपर बॉडी जो है श्रिंक हो जाती है, लगभग सिकुड़ सी जाती है और हड्डी हड्डी ऊपर से लेकर पूरी बॉडी नीचे तक एक जैसी दिखाई देती है। जबकि क्वाशियोर कोर रोग में स्टोमक स्वेलन यानी पेट उभरा हुआ दिखाई देता है, हड्डियां तो वहां भी दिखाई देती हैं। अगला बिंदु है खनिज कुपोषण, मिनरल माल न्यूट्रिशन। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता जिसको एनीमिया बोलते हैं के कारण शरीर पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। प्रमुख खनिज तत्व स्रोत एवं कार्य, यह आपकी पुस्तक में सारणी बनी हुई है, सारणी 1.2, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले लिया हुआ है सोडियम। सामान्यतः नमक, मांस, मछली, अंडे, दूध आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सामान्य रूप से हम अपने प्रतिदिन नमक के रूप में सोडियम लेते हैं। सोडियम का मुख्य कार्य मांसपेशी संकुचन तंत्र का आवेग संचरण, विद्युत का शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना आदि होता है। नेक्स्ट तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। मांसपेशी संकुचन तंत्र की आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन करना। सोडियम और पोटेशियम के कार्य लगभग एक जैसे हैं। कैल्शियम कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जी आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जैसा कि हम पहले विटामिन डी के बारे में पढ़ा था, तो डी में हम बता चुके हैं कि डी विटामिन डी की कमी से जो हम भोजन में कैल्शियम लेते हैं उसका हमारे शरीर में अवशोषण नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की इनकी कमी आ जाती है और हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। अगला तत्व है लोहा। लोहा हमारे लोहा हीमोग्लोबिन का भाग होता है और हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है, जो कि हमारे रक्त के लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यह फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है और यह ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकांग तक पहुंचती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान या हमारे भोजन के ऑक्सीकरण में आवश्यक होती है। यदि हमारे शरीर में लोहे तत्व की कमी आ जाएगी तो हमें कमजोरी महसूस होगी, रक्त की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगा। जिसके मुख्य स्रोत हैं यकृत, ब्रक, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण ऊतक ऑक्सीकरण इसका प्रमुख कार्य है। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हम पढ़ चुके हैं गलगंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। थायराइड नामक ग्रंथि के सुचारू रूप से संचालन के लिए आयोडीन का उपयुक्त मात्रा होना आवश्यक है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी रहती है तो हमें थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। आयोडीन के मुख्य स्रोत हमारा नमक, जो हम प्रतिदिन सेवन करते हैं। नमक है समुद्री भोजन, जो समुद्र से प्राप्त होने वाले भोजन है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक आदि। कमी से थायरोक्सिन हार्मोन। आगे के बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके।